हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको टॉपवॉल कंपनी के द्वारा एक रोलर के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जिप्स का ये इंजन लगा हुआ है, 10 HP का है, RPM 3000 इसका है। ये मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं बाय रोप की सहायता से। रोप के लिए ये पुली दिया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें बैटरी ऑपरेटेड के लिए सेल्फ भी लगा हुआ है। सेल्फ के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने इसका सेल्फ का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी है, चार्ज होती है जहाँ से बैटरी, और ये इसका चार्जर है यहाँ से देख सकते हैं, कॉइल फिट के थ्रू इसमें आ रहा है। इसके थ्रू बैटरी में ज़्यादा चार्ज होता है। और इसके अलावा मैं बताता हूँ, ये आपका जो लीवर है, स्लो फास्ट इंजन की स्पीड है ये। ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए लीवर दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और जो वाइब्रेशन है इसका, कॉम्पैक्शन फास्ट स्पीड पर फुल स्पीड पर रखेंगे तो ये आपका कॉम्पैक्शन भी होगा, यानी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ये ऑन ऑफ स्विच है, यानी कि यहाँ से चाबी लगा के आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप। और इसके अलावा दोस्तों हम और बात कर लेते हैं, इसमें ये इसकी हाइड्रोलिक टैंक है, देख पा रहे होंगे इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। और ये इसका वाटर टैंक है, ये डीजल इंजन का टैंक है यानी इंजन के लिए। और ये वर्क कैसे करता देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। ये देखिए, सबसे पहले इंजन से पुली इस पुली में जा रही है। इंजन रोटेट होने के बाद इसको रोटेट करता है, ये रोटेट फिर इसको करता है, इस पंप को। ये पंप रोटेट होता है तो ये हाइड्रोलिक को आप इधर एक दिया है वाल्व कंट्रोल के लिए। उसके बाद आप देख पाते हैं दोस्तों, इस पुली का एक और फंक्शन है, ये पावर कंटिन्यू इसको रोलर को भी देता रहेगा। जब उसको लीवर को हम फॉरवर्ड रिवर्स करेंगे तो ये पावर आगे ट्रांसमिट हो जाएगी इस रोलर के पास। तो ये रोलर एक दूसरे को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पावर इस शाफ्ट के थ्रू नहीं जाती है रोलर को, ये पावर जो जाती है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए इस पंप के थ्रू। तो ये पंप जब चलेगा तो ये चेन को घुमाएगा, जिस चेन पर पीछे वाला जब चेन लगा इसके घुमाएगा तो जिससे दोनों चक्के इसके चलेंगे। और ये जो है फुल स्पीड फुल RPM पे, इसमें एक क्लच सिस्टम लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्प्रिंग का। फुल RPM रहेगा तो ये इसके साथ पुली के साथ इंटरनली अटैच होगा और फिर ये वाइब्रेशन का जो बेल्ट है इसके थ्रू वाइब्रेशन इंटरनली प्रोड्यूस करेगा इस रोलर के अंदर, देख पा रहे हैं। दोनों ही एक साथ चलेगा फुल स्पीड पे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, वो बाकी लीवर है, आपको जैसे मैंने बताया रिवर्स फॉरवर्ड के लिए ये कंट्रोल करता है, इस पंप को मोटर को कंट्रोल कर रहा है। इसका प्रिंसिपल है सिंपली,